जय राधे श्री राधे चलता रहा सत्संग जाने कैसे। यमुना यात्रा आ गई बीच में, और उसकी समाप्ति भी पूर्ण रूप से नहीं हुई, क्योंकि यमुनोत्री का जल आशा दिया है उन्होंने कि आएगा। उस पर विवाद है, प्रेस रिपोर्टरों ने ये लिख दिया है कि मान मंदिर में फूट पड़ गए। फूट तो यही नहीं है, नहीं है, लेकिन अखबार वाले जो छाप देते हैं नई खबर, जनता अखबार पढ़े, मान मंदिर में फूट नहीं हो सकती है। ये दूसरी बात है कि हमने किसी से पानी मांगा, उठता है देर में लाता है, लाता जरूर है। यमुनोत्री का जल निश्चित आना है, उसमें थोड़ी सी देर हो गई है, और उस देर के कारण विवाद छिड़ गया है कि मानगढ़ में फूट पड़ गई है। और इस विवाद का कारण है, हमने सोचा था कि हम हार मान लें कि हम अभी नहीं ला पाए, लेकिन इस विषय पर कुछ सदस्य यहां के बोले हम हार मानेंगे तो जनता का मनोबल गिरेगा, इसलिए उन्होंने तात्कालिक समझौता किया, जिसका परिणाम विवाद रहा। ये बात अक्षरशः सत्य है। विवेकानंद जी ने कहा था, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना किंतु परंतु के आज्ञा पालन करना ही श्रद्धा का स्वरूप है।
यदि ये हार मान लेते तो गौरव बढ़ता, उस गौरव में थोड़ी कमी आ गई क्योंकि इन्होंने अपनी दृष्टि से जनता का लाभ होवे, बड़ा परिश्रम किया है जनता ने, निराश न हो जाए इसलिए समझौता किया। वैसे ही सब यमुना भक्त हैं, इनका प्रयत्न जारी रहेगा। अब ये ठीक रूप से आज्ञा पालन मनुष्य नहीं कर पाता है, इसका कारण क्या है, इस विषय पर आज हम बोल रहे हैं। पहला दिन है, जीवन में सभी व्यक्तियों के सामने समस्याएं आती हैं और ठीक रूप से आज्ञा पालन हर व्यक्ति नहीं कर पाता। ये समस्या सबके सामने आती है। एक क्लास में 40 छात्र हैं, 40 छात्रों का इम्तिहान में नंबर अलग अलग क्यों आता है? कोई फर्स्ट क्लास आता है, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। उसका कारण है सबकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं, उसके अनुसार उनको फल मिलता है। उसी तरह से ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। भगवान ने 8वें स्कंद में अदिति से कहा है कि हे देवी, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र देवता विजयी हो जाएं, और सब असुर मारे जाएं, किंतु यद्यपि भक्ति अमोघ है, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। 8वां स्कंद 17वां अध्याय 17/17 ममार्चनम नार्हति गन्तुम अन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्। तुमको भी फल मिलेगा, सभी को फल मिलेगा, लेकिन उसमें फर्क रहेगा। जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारा दिति के पुत्रों से द्वेष है, अपने पुत्रों से आसक्ति है, इसलिए तुमने उपासना किया। तुम्हारी श्रद्धा इस ढंग की है, उसमें तामस अंश भी मिश्रित है, असुरों से द्वेष है और अपने पुत्रों से प्यार है, किंतु तुमको तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार ही फल मिलेगा। उपासना का जो सात्विक अंश है
कि हमारे देवता राज्य प्राप्त करें, हमारे पुत्र, वो तो हो जाएगा, लेकिन असुरों का नाश जो तुम सोचती हो द्वेषवश, वो नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे लिए भीख मांगूंगा, क्योंकि उन लोगों ने भी यज्ञ किया है, गुरु सेवा किया है, श्री यज्ञ किया है अन्य पुराणों में, उनकी भी अपनी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा के अनुसार भी हमको फल देना है। उसके लिए मैं सुतल का राज्य दे दूंगा, जहां स्वर्ग से अधिक ऐश्वर्य है। ये बड़ा महत्व का विषय है और सिद्धांत है। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, हर जीव को श्रद्धा के अनुसार फल मिलता है। हमारी श्रद्धा निर्गुणा है तो निर्गुणा फल मिलेगा, हमारी श्रद्धा सात्विकी है तो सात्विक मिलेगा, राजस है तो राजस मिलेगा। त्रिविधा भवति श्रद्धा, गीता में 17वें अध्याय में भगवान ने कहा। और सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धाएं तीन प्रकार की होती हैं, त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। तुम्हारी जो श्रद्धा है वो कामना युक्त है, राजस है, तुमको राजस फल मिलेगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। असुरों की इच्छा तुम्हारी इच्छा से अधिक उसमें सात्विक अंश है। यद्यपि वे भी कामना से स्वर्ग को जीतते हैं, लेकिन फिर भी उनमें गुरु भक्ति अधिक है, उपासना का तत्व अधिक है, इसलिए मैं उनको मार नहीं सकता जो तुम चाहती हो, उनको हरा नहीं सकता जो तुम चाहती हो, उनसे युद्ध नहीं कर सकता जो तुम चाहती हो। तुम्हारी उपासना के प्रभाव से मैं राज्य लाऊंगा, लेकिन भीख मांग के लाऊंगा, बलि का गौरव बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसकी उपासना का भी गौरव है। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, यदि ये लोग हमारी बात मान लेते कि हार स्वीकार कर लो तो इनका गौरव बहुत बढ़ता, बहुत जल्दी विजय आ जाती। सत्य को कहना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। पहाड़ों की लड़ाई हम क्यों जीते? क्योंकि हम स्वीकार करते रहे कि हम दुनिया के सबसे कमजोर आदमी हैं, हम हारते हैं, हारेंगे, लेकिन भगवान है, वो एक दिन विजय देगा, उसने दे के दिखा दिया। भगवान पर विश्वास जब रखता है जीव तो वो उनके हर क्रिया में प्रसन्न रहता है। और ये बात पहले स्कंद में ही कही गई,
कि नारद की माँ मरी, पहला स्कंद छठवां अध्याय, उसको उन्होंने मान लिया कि भगवान की कृपा है, मेरी माँ की मृत्यु हुई है, घबराओ नहीं, अंत में मंगल होगा। 1-6-10 ये सच्ची निर्गुणा श्रद्धा है, इसको कान खोल करके समझ लेना चाहिए और इस पर जीवन निर्वाह करना चाहिए, फिर मनुष्य काल को भी जीत लेगा। मृत्यु भी सामने आती है तो हंस करके उसको स्वीकार करो। देखो एक वाक्य है विवेकानंद का, उस विवेकानंद के वाक्य से साफ लगता है कि यद्यपि उन्होंने प्रमाण दिया नहीं भागवत का, वेदों का, लेकिन मूल में उनकी श्रद्धा निर्गुणा थी। ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, आज्ञा पालन में किंतु परंतु नहीं हो, यही निर्गुणा श्रद्धा का रूप है। इसलिए सारा विश्व एक तरह से उन्होंने जीत लिया था। प्रहलाद की यही श्रद्धा थी, परावरेषु भूतेषु ब्राह्मं ब्रह्मन्तस्थावरे देशु च भौतिकेषु विकारेषु गुण भूतेश्वत महत्सु च गुणेषु गुण साम्य च गुणप्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरो यव्यः। जीत बिहार, भगवान बिहार, मान बिहार, अपमान बिहार, भगवान, मान भी भगवान, अपमान भी भगवान, हार भी भगवान, जीत भी भगवान, ये निर्गुणा श्रद्धा है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि मैत्र तस्मात् युद्धाय उत्तिष्ठ कौन्त युद्धाय कृत निश्चय सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। दूसरे अध्याय में भगवान ने सुख दुख को समान समझो, लाभ हानि को समान समझो, पराजय सब को समान समझो। ये भगवान ने जो उपदेश दिया दूसरे स्कंद में शायद 38वां श्लोक, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पाप तुझको छू नहीं सकता, पाप की हिम्मत क्या है तुझे छू ले। पाप विषम बुद्धि वाले को छूता है, सम बुद्धि वाले को छू नहीं सकता, काल भी नहीं छू सकता, उसको कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा समाहितम यस्य मनः प्रशांतम दानाद भी किम वदतस्य कृत्यम। दान आदि साधन करने की कोई जरूरत नहीं जिसका मन समाहित है, सम्यक समत्वेन आहितः समाहितः। असतैम असंयतम यस्य मनो विनश्यत दानाद भी क्यों वर्तस्य कृत्यम। इसका मन समाहित नहीं है उसको और साधन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चाहता है उसका कल्याण नहीं होता है। छठवें स्कंद में यही बात भगवान ने कहा है के कह क्षेम निज परयो।
छः और छः सत्रह सत्रवा अध्याय जितम अजित तदा भवता यदा भागवतम धर्म अनुवर्तम। चालीसवां श्लोक। भागवत धर्म में कभी भी नुकसान नहीं है, मनुष्य काल को जीत लेता है। का क्षेम निज परयो, जिसमें मेरा तेरा है भेद है उसमें आत्यंतिक क्षेम कल्याण नहीं है। ज्ञान अर्थ स्व पर द्रोह धर्मेण, मेरा तेरा ये भेद रखने वाले धर्म से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कुछ नहीं होगा। मनुष्य तात्कालिक लाभ को ही लाभ समझ लेता है, जो अनंत लाभ आने वाला है उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि कामनाओं ने उसके बुद्धि को विषम कर दिया। कृपणा फल हेतवः, इसलिए जिस पर भगवान की कृपा होती है वही समझ सकता है। कोई व्यक्ति समझ नहीं रहा है तो उसको निकालना नहीं चाहिए। कल समझ जाएगा, परसों समझ जाएगा। बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं, आपके पास जो लोग कमजोर हैं उनको निकाल क्यों नहीं देते? अरे तुम कौन से मजबूत हो तुमको रख ले? तुम अपने को मजबूत समझते हो लेकिन तुम खुद द्रोही हो, जो दूसरों को निकालने की बातें बनाते हो। सुधारने की बात बनानी चाहिए, निकालने की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे यहां किसी को निकाला नहीं जाता, सुधारा जाता है। इसलिए निर्गुणा श्रद्धा सबके अंदर नहीं है, जो इस भागवत धर्म को समझ ले। भागवत धर्म जो छः सोलह चालीस में कहा गया और छः सत्रह पंद्रह के आसपास कहा गया, उसको निर्गुणा श्रद्धा वाला समझ सकता है। का क्षेम निज परयो, लौकिक धर्म वैदिक धर्म जहां पे मेरा तेरा है उससे आत्यंतिक क्षेम की प्राप्ति नहीं होगी। आत्यंतिक प्रयोजन भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान अर्थ स्व पर द्रुहा धर्मेण, जब तक मेरा तेरा की भेद बुद्धि है। स्वद्रोहा तब कोप पर पीडिया च तथा धर्म, मनुष्य भेद बुद्धि रख कर चलता है, मेरा तेरा का द्रोह छिपा रहता है, उस धर्म से कोई कल्याण नहीं होता है। भगवान कोप करते हैं, अपने से द्रोह करना, अपने लिए सांसारिक कामना चाहना, ये स्वद्रोह है। और अपनी कामना के लिए दूसरे को पीड़ा पहुंचेगी, दूसरे का नान नुकसान होगा, ये पर पीड़ा है, इसमें अधर्म है। तो जब तक मैं और मोर तोर तय माया, माया का अंश है, निर्गुणा श्रद्धा नहीं है। क्योंकि स्वद्रोहा तव कोप पर पीडिया च तथा धर्म,
उसके अंदर भगवान का कोप और अधर्म छिपा हुआ है। कपिल भगवान ने भी देखो ये बात कहा है, अपनी मां को जो उपदेश दिया है कि माता जी कितना भी कोई साधन कर ले लेकिन भक्ति राजस तामस हो जाती है। कैसे 3:29 के प्रारंभ में अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सरमेव संरम्भी भिन्न दृक् भागो मई गुरिया सतामस। जब तक तुम्हारे भीतर भागवत नहीं है, संख्या बोल दे, क्योंकि यही सब समझना सत्संग है। हम लोग निर्गुणा श्रद्धा को लेकर चलेंगे 3:29:8 नहीं समझेंगे तो कितना भी व्रत कर लें जप कर लें तामस भक्ति में फंसे रहेंगे। तामस भक्ति दूसरे के नुकसान हो जाए, हिंसा, दूसरे को निंदा, दंभ, दिखावा, मात्सर्य से बचो तो तामस भक्ति से बचे रहोगे। राजस भक्ति विषयों की इच्छा आ गई, यश नाम मान सम्मान की इच्छा आ गई, ऐश्वर्य की इच्छा आ गई, भक्ति राजस हो गई। अर्चादो अर्चेर यो माम पृथक भावा स राजस। चाहे कितना भी अर्चना कर रहा है, 12 लाख रुपए का भोग लगा रहा है लेकिन सब राजस हो गया। इसलिए सत्पुरुषों को संग किया जाता है, एक तुलसी दल चढ़ा दो, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा स्वात्मानं विकृते भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी के पत्ते में भगवान बिक जाते हैं, एक चुल्लू पानी में भगवान बिक जाते हैं, ऐसे भक्तवत्सल हैं। लेकिन वो तुलसी दल निर्गुणा भक्ति को होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रच्छति। भक्त्या माने निर्गुणा श्रद्धा। तदहम भक्तु प्रथम अश्नामी प्रयत्नात्मना। उस तुलसी दल को मैं स्वयं जाकर पाता हूं, उस गिलास के पानी को स्वयं जाकर पीता हूं, उस फूल को स्वयं ग्रहण करता हूं। जिस सेवा में हिंसा, किसी से द्वेष, किसी का नुकसान नहीं है, दंभ दिखावा नहीं है, मात्सर ईर्ष्या नहीं है, तामस भक्ति नहीं आई, फिर राजस भक्ति विषयों की इच्छा आ गई, यश की इच्छा आ गई, ऐश्वर्य की इच्छा आ गई, भक्ति राजस हो गई। अर्चादो अर्चे द्यो माम पृथक भावस राजस। भक्ति में सतोगुण भी बाधक है। 10वां श्लोक 8:9:10 कर्म निर्हारम उद्देश्य, अपने कर्मों का नाश हो जाए, परस्मिन वा तदर्पणम, सब कुछ भगवान को अर्पण हो जाए। ये सब सात्विक कामनाएं जब तक हैं, यजेत यष्टव्यमिति वा पृथक भाव सात्विक, पृथक भाव बना हुआ है, मैं मुक्त हूं, मेरे कर्मों को नाश होवे, मेरा पेना हटा दो, बस निर्गुणा भक्ति हो जाएगी,
तो इसलिए पिछली लड़ाइयां हम लोग इसीलिए जीतते रहे कि मानगढ़ में निर्गुणा भक्ति है, न तो हम लोग कोई कामना लेके कीर्तन करते हैं, न दिखावे के लिए नाचते हैं, न ईर्ष्या से, कुछ नहीं है। इसी को लिखा है ब्रज की प्रीति रीति अनयास, ब्रज की प्रीति रीति अनयास माने उसमें कोई कामना इच्छा नहीं है, सहज प्रीति है, न तामस भाव है न राजस भाव है। ये इस भक्ति के अधीन भगवान नाचता है और भगवान विजय देता है, बिना चाहे देता है। कल यही बात कोई महापुरुष कह रहा था कि सत्संग की कमी होने से लोगों में निर्गुणा श्रद्धा नहीं रहती है। निर्गुणा श्रद्धा क्या है लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ऊपरी साधन में लगे रहते हैं, इतना व्रत किया, इतना तप किया, इतना जप किया, इतना पाठ किया, ये किया वो किया, पृथक भाव बना रहता है, मैं मुक्त हूं, मेरे कर्मों को नाश हो, पृथक भाव जब तक बना हुआ है तब तक भक्ति निर्गुणा नहीं होगी। निर्गुणा होने के लिए चहो ना सुमति सुगति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनदिन अधिकाई। हेतु माने किसी कामना को लेकर के भक्ति नहीं करो, अहेतु की भक्ति करो। यही बात श्रीमद् भागवत में बार बार कही गई है। भागवत के को इसीलिए हम जैसे लोग समझ नहीं पाते, पाठ तो बहुत करते हैं, भाषण बहुत देते हैं, लेकिन प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, भक्त के मुख से सुनो। सबसे पहले भागवत में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में एक दो छः सवई पुंसाम परो धर्मो यत्तो भक्ति ही अधोक्षजे। भागवत के शुरू में ही निर्गुणा भक्ति का प्रतिपादन किया गया, लेकिन उसको हम जैसे मूर्ख लोग पढ़ते हुए भी नहीं समझ पाते, भाषण देते हुए भी नहीं समझ पाते। समझो सबई पुंसाम परो धर्मो, पर माने इससे ऊंचा धर्म कुछ नहीं है संसार में, न था न है न होगा, जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए। कैसी भक्ति? अहेतु की, हेतु रहित अनुराग राम पद, न सात्विक कामना रहे, न राजस कामना रहे, न तामस कामना रहे। अप्रतिहत, कोई अनर्थ नहीं है तो रुकेगी नहीं, आत्मा संप्रसीदति, इससे बड़ी जल्दी शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए भागवत में जगह जगह यही बात देख लो, आगे भी कपिल भगवान ने कहा है कि माता जी
लक्षणम भक्ति योगस्य 3:29-12 वही शब्द यही दोहराए गए हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम्। निर्गुणा भक्ति क्या है? अहैतुकी अव्यवहिता, यही बात 1, 2, 6 में कही गई है, वही शब्द यहां भी है। अहैतुक्य अव्यवहिता यात्मा संप्रसिद्यति, और यहां पर अहैतुक्य अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, वही शब्द है। अहैतुकी न सात्विक हेतु कामना हो, न राजस हेतु कामना हो, न तामस हो। हेतु माने किसी कामना को लेकर के भक्ति की गई, चाहे सात्विक कामना है, देखने में अच्छी लगती है, मुक्त होना चाहता है, भगवान से छूटना, भवसागर से छूटना चाहता है, ये सब हम लोग भी गाते हैं, लेकिन है सब सात्विक कामनाएं, स्वार्थ है, पृथक भाव है। इसलिए निर्गुणा भक्ति वही है जिसमें कोई हेतु नहीं है, न सात्विक हेतु है, न राजस हेतु है, न तामस हेतु है। कोई हुए हेतु आएगा तो निर्गुणा भक्ति नहीं होगी। तो ये बात निर्गुणा श्रद्धा जीव समझता ही नहीं तो बेचारा करेगा क्या? किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, न निकालना चाहिए, न द्वेष करना चाहिए। लंका कांड में चौपाई आती है कि राक्षसों ने बड़ा तप किया था, सिद्धियां किया, अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और लंका में प्रसिद्ध देवी थी, क्या नाम, निकुंभला देवी की सिद्धियां थी, और फेल क्यों हो गई? निकुंभला की सिद्धि ऐसी थी कि जिससे हनुमान आदि भी चक्कर में पड़ गए। नहीं, उसके बाद है लंका कांड 2:96। रावण की सिद्धियों के आगे सब चक्कर काट गए, हनुमान अंगद नील और यहां तक लक्ष्मण भी। रावण ने अनंत रावण प्रकट कर दिया, जितने बंदर थे उतने रावण बना दिए। 95 के नीचे रघुपति कटक भालु कपि जेते, तह तह प्रकट दशानन देते। मिला पदम 18 जूथप बंदर, 18 पद्म तो
केवल सेनापति थे, बंदरों की संख्या नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी राम की सेना थी। ये पद्म क्या है? इकाई दोहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब नील दस नील पदम दस पदम फिर महापद्म। यानी कोई गिनती, हम वैसे भी गणित में हम कमजोर हैं तो हम लगावें तो गिनती कर नहीं पाएंगे। अगणित सेनापति थे, लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब नील दस नील फिर महानील फिर पदम दस पदम। गिनती बिनती ज्यादा नहीं आती हमको, इतने तो सेनापति थे। तो बंदर कितने होंगे? अनंत बंदरों, समझ लो गिनती नहीं गिन सकते। अनंत रावण बना दिया रावण अकेले ने। हर बंदर ने देखा कि हमारे पास रावण है। रघुपति कटक भालू कपि जेते, अगणित बंदर और अगणित भालू उतनी रावण। अब सब बंदर डर गए, देखे कपिन अमित तस सीसा, जहां तहां भजे भालू और कीसा। सब रामदर भाग गया, हर बंदर भाग गया, हर भालू भाग गया कि बाप रे बाप, एक ही रावण भाली था, अब तो हमारे आगे रावण, पीछे रावण, बगल में रावण, सामने रावण, जहां देखो अब जी विजय नहीं हो सकती। भागे बानर धराई न धीरा, लोग रोक रहे हैं, अरे राम पर विश्वास रखो, रुको रुको। लेकिन कौन रुकता है? अरे क्या रुकेंगे, एक ही रावण भारी था, अब तो वैसे ही रोकते हो, अब मुश्किल है जीतना, सीता का लौटना, कोई भी लौट नहीं रहा, ये हालत आ गई। त्राई त्राई लक्ष्मण रघुवीरा, दह दिशि धावई पूटिन रावण। करोड़ों रावण दौड़ रहे हैं दसों दिशाओं में। दसों दिशाओं में ऊपर देखो तो रावण, नीचे देखो पांव के नीचे तो रावण। दसों दिशाओं में चार दिशा, चारों कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, इस तरह से आकाश पाताल वायव्य कोण। ऊपर देखोगे तो रावण, नीचे देखोगे तो रावण, बाएं रावण दाएं रावण, हर चारों ओर, चारों ओर करोड़ों रावण। और एक एक रावण गर्ज ही घोर कठोर भयावन। इधर देखो बाईं तरफ तो गर्ज रहा है रावण, भयंकर गर्जना। दाहिनी ओर देखा तो रावण गर्ज रहा है, पीछे देखा तो गर्ज रहा है, आगे देखा तो गर्ज रहा है, ऊपर देखा तो गर्ज रहा है, नीचे देखा तो गर्ज रहा है। डरे सकल सुर चले पर आई, देवताओं की तो हवा गुम हो गई। दसों हवाओं दस वायु होती है, प्राण पान सब गुम हो गए, भाग गए सब। जय के आस तजऊं अब भाई, बोले भैया अब रावण नहीं मरेगा, अब भाग चलो। सब सुर जीते एक दस कंधा, एक रावण ने सब देवता जीत लिए। अब बहु भय तकहु गिर कंदर, भाग चलो पहाड़ों की गुफाओं में। दो आदमी नहीं भगे, रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। और भी लोग थे जो प्रभाव जानते थे, वे वहां पर रुके रहे। जब
छांदवे दोहा, ये स्थिति देखा भगवान ने तो राम जी हंस गए। सुर बानर देखे बिकल हस्यो कोसलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल दसीस। एक बाण में ही अनंत रावणों का वध कर दिया, करोड़ों अरबों खरबों रावण एक बाण में मार दिया। दिखा दिया कि क्यों डरते हो, राम का एक ही बाण करोड़ों रावणों को मार सकता है। अब अनंत रावण खत्म हो गए, आगे का रावण, पीछे का रावण, बाएं का रावण, दाएं, ऊपर का, नीचे का, सब खत्म हो गए। प्रभु छन माही माया सब काटी, जिमी रवि कुएं जाहि तम फाटी। जैसे सूर्य तो एक ही निकलता है और चारों तरफ अंधकार नष्ट हो जाता है, इसको कहते हैं विश्वास। ऐसा विश्वास भाई हम जैसे मूर्ख आदमी कहां तक कर सकते हैं, इसलिए किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जाना प्रताप ते रहे निर्भर, कपिन रिप माने फुरे। ऐसा विश्वास प्रहलाद को था। साधारण जनता बेचारी ऐसा विश्वास कैसे रखेगी। रावण एक देख सुर हर्षे, जब देखा एक ही रावण है तो सब देवता फिर वापस आ गए। फिरे सुमन बहु प्रभु पर परसे। एक घटना सुना देते हैं, यद्यपि वो शास्त्र की नहीं है। हमारे पिताजी अंग्रेजों के समय में पुलिस ऑफिसर थे, आईजी ऑफिस में, इलाहाबाद में दशहरा कत्ल बंद हो गया था मुसलमानों के शासन में, उन्होंने ही शुरू कराया था फिर से इलाहाबाद में राम धर्म। तो स्वयं घोड़े पर आगे चले कि हम चलते हैं, तुम लोग घबराओ नहीं। इतना अत्याचार हुआ था मुसलमानों के समय में, अंग्रेजों के समय में, कि रामादल निकलना बंद हो गया था। वो जब आगे चले घोड़े पर, उस जमाने में घोड़ा रहता था आगे, और जो एसपी या ऑफिसर होता वो घोड़े पर चलता था। तो जब रामादल, पत्थर चट्टी कहते हैं जिस मोहल्ले में हम रहते थे, वहां सबसे ज्यादा दल निकलता है, पत्थर चट्टी, पजावा, कटरा, दारागंज, सिविल लाइन्स, इस सब मोहल्ले याद हैं अब तक हम भूले नहीं हैं। इनमें सब में अलग अलग निकल दल निकलता है। सबसे बड़ा पत्थर चट्टी का दल निकलता था जिस मोहल्ले में हम रहते थे, वो प्राइज वही जीतता था। अब तो खैर हम जानते नहीं क्या हो रहा है। तो पत्थर चट्टी का दल जब चला सबसे बड़ा, तो मुसलमानों ने सोचा इस दल को उखाड़ दो, बाकी सब दल सबसे बड़ा है उखड़ जाएगा। चौक से जब निकला तो एक मस्जिद पड़ती थी रास्ते में, उससे एक मुसलमान अल्लाह अकबर दोनों हाथ में कटार लेकर के मस्जिद से कूदा और सब दल भाग गया। हजारों लट्ठी खेलने वाले और कौशल युद्ध विद्या का जगाने वाले सब बोले अरे भाई हमला हो गया, भागो भागो भागो, सब भाग गए। भाग करके इधर आए जिधर हमारे पिताजी घोड़े पर चढ़े थे, पुलिस अफसर थे, बोले क्या बात है। बोले शुकुल जी हमला हो गया। बोले कहां हुआ। बोले वहां उस मस्जिद से मुसलमान कूदे हैं।
चलो हम चलते हैं वापस चलो। जब वो वापस चले तो उनके घोड़े के साथ साथ सब हिंदू उड़ पड़े, लौट पड़े। जब लौट पड़े वहां पहुंचे तो जो कूदा था मुसलमान, एक कूदा था उसी को खत्म कर दिया। अब सैकड़ों हिंदू जब लौट पड़े, रामादल भी लौटा, लठ वाले भी और फरसा वाले जो खेल दिखाते हैं, खत्म हो गया। उस दिन से आज तक रामलीला चली रही है। तो ये जनता होती है उसके अंदर एक सी निष्ठा नहीं होती है, एक सी हिम्मत नहीं होती है, वैसे ही भक्ति में एक सी श्रद्धा, निर्गुणा श्रद्धा सब में नहीं होती है। तो वो चलो खैर छुटा गया, प्रसंग बदल गया। तो एक बाण से उन्होंने करोड़ों रावणों को समाप्त किया और उसके बाद रावण ने ये उदाहरण दिया थे, इतनी सिद्धियां प्राप्त किया था निकुंभला के द्वारा, तामस उपासना के द्वारा। आखिर में उसने शक्ति छोड़ी 90 के नीचे, पन्ना बदल गया था। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिन प्रयास प्रभु काट निवारे। अपनी सिद्धियों के प्रभाव से एक एक साथ करोड़ चक्र, करोड़ त्रिशूल आ रहे हैं। अब फिर वही समस्या आ गई, लेकिन वो सब व्यर्थ जा रहे हैं। यही छुपाई है, विफल हो ही रावण सर कैसे, खलके सकल मनोरथ जैसे। ऐसे ही विफल से हो सब उद्यम कैसे, जिम पर द्रोह निरत मनसा के। ऐसे एक छुपाई पहले भी आ गई है, अब कहां तक ढूंढे। सब उद्यम उसके निष्फल हो जाते हैं जो द्रोह मन में रखता है। विफल हो ही सब उद्यम कैसे, जिम पर द्रोह निरत मनसा के। ये अच्छा संख्या बता देते हैं, हैं? जोर से बोलो, 91 के नीचे चौथी चौपाई। 92 के नीचे है, 91 के नीचे। हाँ, विफल हो ही सब उद्यम ताके, जीव पर द्रोह निरत मनसा के। इसी चौपाई के बल पर
आज तक जाने कितनी लड़ाइयां हमने जीता, न किसी की निंदा करते हैं या हम लोग किसी महंत की या किसी आश्रम की न आलोचना करते हैं। इतना समय नहीं है, यहां से सत्संग से उठे नीचे चले गए, फिर दिन में सत्संग रात में सत्संग, समय नहीं है कि हम लोग परद्रोह करें। इसलिए मान मंदिर का सत्संग बंद नहीं हुआ, लोगों ने बड़ा विरोध किया। बहुत से ऐसे साधु आए जो यहां आकर के उल्टी बातें सिखाते थे, निंदा करके उनकी श्रद्धा नष्ट करते थे, लेकिन वो सब स्वयं नष्ट हो गए, क्योंकि द्रोह वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, दूसरे को क्या नष्ट करेगा। सत्संग बढ़ता रहा, अब बढ़ रहा है, बढ़ेगा। हम लोग अगर गलत रास्ता पकड़ लेंगे तो खुद मरेंगे। जब तक निर्वाण श्रद्धा है, आज नहीं जीतेंगे कल जीतेंगे। हम कोई सिद्ध पुरुष नहीं हैं, हम तो बहुत कामी क्रोधी नीच पुरुष हैं, लेकिन हम हमेशा कह देते हैं हम जीत चुके हैं। क्यों कह देते हैं? कि तामस राजस भक्ति नहीं करते, किसी कामना को लेकर के नहीं चलते हैं कि भक्ति राजस हो जाए तामस हो जाए, न किसी से पैसा चाहते हैं, न सम्मान चाहते हैं, न अखबार में नाम चाहते हैं। ये सब कामनाएं जीव को कमजोर कर देती हैं। अहेतु की भक्ति करनी चाहिए, हर प्राणी को करना चाहिए, इससे भक्ति सशक्त बनती है। तुम्हारे सामने रावण भी आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये संक्षेप में, दो तीन महीने के बाद सत्संग हुआ था, अनेक तरह की लड़ाइयां भईंगी और होंगी, क्योंकि अब हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं। इस बार हमारा प्रोग्राम नाटक का हमने हटा दिया था, वो सोचा था यमुना विजय महोत्सव मनाएंगे, उसी दिन घोषणा कर देंगे गंगा एक्शन भी हमने ले लिया है, गंगा की लड़ाई भी ले लिया है, लेकिन वो यमुना जी को हम जीत नहीं पाए, धारा आ नहीं पाई, समझाव तो आ गया, अगर दो चार दिन रुके रहते तो क्या है। खैर तो छापते रहते हैं अखबार वाले। इनको तो एक मैटर मिल जाता है, लिख दिया कि यमुना महोत्सव नहीं बनेगा, बाबा ना खुश हैं, हमारा नाम दे देकर वो फूट पैदा करना चाहते हैं। नहीं, ये ठीक है कि हम इस समय नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बेचारे लगे हैं, इन्होंने संकल्प किया है कि हम 1 करोड़ दस्तखत कराएंगे और दूसरी ढंग से जीतेंगे। अभी हम ये लोग हारे नहीं हैं, और इनको इनमें निर्विघ्न श्रद्धा पैदा करना है, क्योंकि हम लोग थोड़े भी आदमी अगर हैं, निर्गुणा श्रद्धा रखते हैं, थोड़े से लड़के हैं, थोड़ी सी साधु हैं, थोड़ी सी लड़कियां हैं,
प्रहलाद अकेले थे, हिरण्यकश्यप को जीत लिया, हम लोग तो फिर भी बहुत से हैं, अगर हम लोग तामस राजस भक्ति छोड़ के चलेंगे तो भारतवर्ष को सुधार देंगे। यद्यपि ये गप लगती है क्योंकि हम लोग वो छोटे आदमी हैं, पैसा नहीं, धेला नहीं, कोई चेला नहीं, चाटी नहीं, हमारा आज तक कोई शिष्य नहीं है, न था न है न होगा, न कोई शिष्य है न शिष्या है, हम किसी को अपना मानते नहीं हैं, तो हमसे ज्यादा कमजोर आदमी कौन होगा दुनिया में। लेकिन फिर भी सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, वही बात है अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। न हमारे पास अपबल है, कोई हमारा संसार में शिष्य नहीं है, एक एक महात्मा के पास एक एक, एक लाख शिष्य हैं, न तप बल है, न बाहुबल है, न धन बल है, न जन बल है, लेकिन हम लोग सब बलों से हार करके भगवान का नाम ले रहे हैं। एक दिन निर्बल के बलराम वाली बात सही होगी। जय श्री राधे।